जेल में जाते हैं, देखते हैं तो नंद बाबा थे। नंद बाबा का छौर कर्म आदि कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बाबा मेरे सेवकों के द्वारा जो भी अपराध हुआ हो आप उसे मेरा अपराध मान करके मुझे क्षमा कर दो। आप कोई भी बात अपने बालक से मत कहना, अपने बेटे से मत कहना, क्योंकि आपका जो बेटा है ना वो हमारा बॉस है, हमारा मालिक है। वृत्तापराध सर्वत्र स्वामिनो दंडयते। सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है। विभीषण जी महाराज जिनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था 100 कल्प तक राज करने का, समय समय पर विभीषण भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते जाते थे। त्रेता की चर्चा है। एक बार ऐसा हुआ कि विभीषण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के लिए आए, अयोध्या से दर्शन किया। दर्शन करने के बाद विभीषण को लगा चलो श्वेत द्वीप होकर के चलता हूं। रथ को मोड़ दिया और जब श्वेत द्वीप में पहुंचे तो श्वेत द्वीप में विभीषण के रथ के आगे एक गाय आ गई। गाय को ठोकर लगी, वो भगवत धाम को प्राप्त हो गई। और श्वेत द्वीप जहां पर धर्म ही सुनाई देता है, धर्म ही दिखाई देता है, जहां पर कहीं भी अधर्म नहीं दिखाई देता, वहां गौ हत्या प्राण दंड है। विभीषण के रथ के द्वारा जब ये अपराध हुआ, विभीषण को श्वेत द्वीप वासियों ने पकड़ लिया। पकड़ करके फांसी का फंदा निर्धारित हुआ। विभीषण से पूछा गया आप किसी से मिलना चाहते हो, अंतिम इच्छा क्या है? विभीषण ने कहा मैं अपने प्रभु श्री राम से मिलना चाहता हूं, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे वरदान दिया है 100 कल्प का, अभी तो 1 कल्प पूरा नहीं हुआ और फांसी का फंदा मेरे सामने है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को जब समाचार मिला, भगवान राम वहां पहुंचे और भगवान राघवेंद्र सरकार ने श्वेत द्वीप वासियों के सामने जो अपनी बात रखी महाराज, भगवान ने कहा अरे श्वेत द्वीप वासियों, विभीषण मेरा सेवक है, मैं विभीषण का स्वामी हूं, स्वामी हूं। और जानते हो वृत्तापराध सर्वत्र स्वामिनो दंडयते, वरम ममैव मरणम मद भक्ता हन्नते। मैं विभीषण का स्वामी हूं, विभीषण सेवक है और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। इसलिए यदि ये फांसी देना है तो मुझे दे दो। मद भक्ता हन्नते कथम। ओहो, श्वेत द्वीप वासियों के आंखों से आंसू आ गए कि मालिक हो तो ऐसा हो। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी को कहना पड़ा अस स्वभाव कहूं सुनेबू न देखूं, अस स्वभाव कहूं सुनेबू न देखूं, अस स्वभाव कहूं सुनेबू न दे, सुभावे सुने न देखूं, कहीं खगेश रघुपति समल, कहीं खगेश रघुपति समल, कहीं खगेश रघुपति समल, कहीं खगेश रघु मालिक हो तो ऐसा। और महाराज नंद बाबा ने वरुण को क्षमा कर दिया। वरुण नंद बाबा को साथ में लेके भगवान को अर्पण किया। देखो भगवान की भगवत्ता देखो। सामान्य कोई व्यक्ति होता, थोड़ा सा पावर होता, और यदि उसके पिता को इस प्रकार से कोई कर्मचारी कर देता तो उसकी हालत खराब कर देता। पर भगवान एक बार कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि रात्रि में कूद के जल में स्नान करना यह अपराध है। भगवान ने यह दिखाया कि गलती कोई भी करे उस गलती को स्वीकार करना चाहिए। नंद बाबा को लेकर के भगवान जैसे जमुना से बाहर निकलते हैं, पूरा ब्रजमंडल जमुना किनारे नंद बाबा के इंतजार में खड़ा था। खुशी की लहर छा गई, सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। पर जो भगवान के सखा थे उनके मन में आश्चर्य हुआ कि बोले देखो बाबा तो लंगोटी लगा के कूदे थे, सारे कपड़े तो बाबा के किनारे रखे हैं, पर नीचे से अंदर से बाबा सुंदर राजसी पोशाक पहन के आ रहे हैं। अरे कन्हैया, या जमुना के अंदर कोई रेडीमेड कपड़ों की दुकान है क्या? एक ने कहा देखो देखो, दोनों बाप और बेटा दोनों जल के अंदर से आ रहे हैं, पर दोनों के कपड़े गीले नहीं है। नंद बाबा ने कहा अरे भैया, तुमने इतना सो आश्चर्य देखो। मैं सच बताऊं ना, ये जो मेरा कन्हैया है ना, या कि बैकुंठ तक पहुंचे। अरे हम तो बैकुंठ की यात्रा करके आ रहे हैं, बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा सत्कार हुआ, ये सब वहीं से तो मिला है। नंद बाबा तो चल पड़े महल के लिए। भगवान के सखाओं ने पकड़ लिया, कन्हैया देख पक्षपात मत कर, तू समदर्शी है, तो क्या अकेले अकेले अपने पिता को ही, बाबा को ही वैकुंठ का दर्शन कराएगा, हमको ना है? देख कन्हैया पक्षपात मत कर, हमको वैकुंठ का दर्शन कराए दे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अरे प्रिय सखाओं, वृंदावन बसिके यह सुख लीजे। ये वृंदावन है सर्वकाल सुखावह, जहां छह ऋतियों का दर्शन होता है। वैकुंठ के चक्कर में मत पड़ो। मेरो ब्रज वृंदावन धाम सकल त्रिभुवन ते न्यारो है। अरे भैया वृंदावन में बस के सारा आनंद ले लो, क्या करोगे वैकुंठ जाकर? बोले नहीं नहीं, हमको वैकुंठ दिखा दो। भगवान ने जमुना किनारे उन सखाओं से कहा आंख बंद करो। जैसे उन्होंने आंख बंद करी, भगवान ने कहा खोलो, और जैसे आंख खोली तो वैकुंठ के दरवाजे पर खड़े। जैसे अंदर जाने लगे, वैकुंठ है, वहां व्यवस्था है, सिस्टम है, अनुशासन है, संविधान है। जैसे अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, एक किधर जा रहे हो? एक तो ब्रजवासी, दूसरा बालक, भगवान के सखा। फट दे बोल पड़े, हम अपने कन्हैया से मिलने जा रहे। द्वारपालों ने मीठी सी फटकार लगाई, खबरदार कन्हैया का। तो बोले क्या कहते हैं? बोले श्वेतर समस्त लक्षणों विलक्षण जगदाधार जगदीश्वर जगन्नाथ वैकुंठाधिपति की जय। मनसुख ने कहा ये कोई नाम है? हनुमान चालीसा की पोथी सुना दी तुमने। हमारो तो कन्हैया ठीक है भैया, जान दे जान दे। द्वारपालों ने कहा ये वैकुंठ है, यहाँ बाहर से किसी का ऑर्डर नहीं चलता, यहाँ ऑर्डर अंदर से आता है तब प्रवेश होता है। ब्रजवासी बालक चंचल थे, एक ने झांक करके देखा तो वैकुंठ में तो भगवान शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश। शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। उसने कहा देखो देखो भैया, या कन्हैया की मति मारी गई। शेष तो हजार फना है। उस सखा कहने लगे देखो देखो, सांपन की सैया पे सो रहो। एक ने दूसरी तरफ से झांक कर देखा तो वैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में बैठ के चरण दबाती है। उसने कहा सुनो सुनो सुनो, देखो तो एक लोगाई वाके पैर दबा रही है, और ये भैया ऐसो वैकुंठ हमको नहीं चाहिए, तो वृंदावन पहुंचा दे। भगवान ने आकाशवाणी की, आंख बंद करो। जैसे आंख बंद किया भगवान ने कहा खोलो, और जैसे आंख खोला तो जमुना किनारे वहीं खड़े थे जहां से गए थे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा बताओ कैसी रही वैकुंठ की यात्रा। एक स्वर में बोल पड़े, अरे कन्हैया तेरो वैकुंठ तुझको ही मुबारक हो। जहां दर्शन के लाले पड़ गए, ऐसे वैकुंठ को लेकर हम क्या करेंगे। कहा कहो वैकुंठ ही जाई, जहां ननंद न यसुमति मैया, जहां न गोपी ग्वाल न गाय। जहां जमुना का किनारा नहीं है, जहां यशोदा नहीं है, जहां गैया नहीं है, जहां कदम्ब नहीं है, ऐसे वैकुंठ को क्या करेंगे हम। आपका वैकुंठ आपको मुबारक हो। और उन ब्रजवासियों ने जो धाम निष्ठ की बात कही महाराज, कि अब तो हम कितना भी कहें, पर आपसे प्रार्थना है कि हमें ब्रजमंडल से कभी बाहर मत निकाल देना। कहीं मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले ते लगाना पड़े। जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े। अभिलाष नहीं कुछ भी सुख की, नित दुख नवीन उठाना पड़े। ब्रज सीमा के बाहर घरिजू, हमें भूल घनत ना जाना। इस प्रकार से भगवान ने धाम की महिमा ब्रजवासियों के हृदय में प्रतिष्ठा की, क्योंकि प्राय करके जिस स्थान पर जिस जगह हम रहते हैं वहां की महिमा नहीं समझते हैं। क्योंकि अति नियरे से होता है अरुचि अनादर जान, मलयाचल की भिल्लनी चंदन देत जला। जो मलयाचल तोले के भाव में बिकता है महाराज, और उस मलयाचल के जंगल में रहने वाले कोल भिल्ल वनवासी, उनको चाय पीनी होती है ना, तो गैस सिलेंडर नहीं यूज करते, वो सीधे मलयाचल की लकड़ी को चूल्हा में लगा के जला करके चाय बना लेते हैं, भोजन भी बना लेते हैं, क्योंकि वो मलयाचल के जंगल में रहते हैं। इसलिए उस चंदन की महिमा को नहीं समझते, उसकी कीमत को नहीं समझते, क्योंकि वो पास में रहते हैं। अति अपरिचयात अवज्ञा, ज्यादा सन्निकटता होने के कारण जीव के मन में अनादर की भावना जागृत हो जाती है। इसलिए जिसके प्रति श्रद्धा को बरकरार रखना है, उससे थोड़ा दूरी बना के चलो। राजा, किससे किससे दूरी बनानी है। राजा जोगी अगिन जल, इनकी उल्टी रीत, बच के रहिए जगत में, इनसे थोड़ी करिए प्रीत। राजा के इर्द गिर्द जो ज्यादा सन्निकट होगा तो स्वाभाविक है उससे अपराध होगा, और जब उससे अपराध होगा तो उसका केस सीजीएम कोर्ट में नहीं चलेगा, लोअर कोर्ट में नहीं चलेगा, हाई कोर्ट में नहीं चलेगा, उसका सीधे केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल होगा, फिर कोई चांस नहीं होगा बचने का। इसलिए बीच की दूरी, ज्यादा सन्निकट भी नहीं होना है और ज्यादा दूर भी नहीं होना है। अग्नि है, सर्दी का सीजन है, खूब अच्छी लगती है, खूब अच्छी लगती है। पास चले जाओ, पास चले जाओ तो अग्नि थोड़ा पहचानेगी कि यह मुझसे प्रेम करता है। कपड़ा पड़ेगा तो जला देगी, चमड़ी जल जाएगी। जल है, गर्मी का सीजन है, खूब अच्छा लगता है, डूब डूब के कूद कूद के खूब स्नान करने का जी करता है। पर जितने गहरे में चले जाओगे तो जल ये नहीं विचार करता कि ये मुझसे प्रेम करता है, इसको बचा दूं, मौका पड़ेगा तो डुबो देगा। क्योंकि ज्यादा सन्निकट होने से अरुचि हमारे अंदर पैदा हो जाती है। इसलिए बीच की दूरी बना के रखें। संत है, वो भी खाते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी सुनते हैं, वो भी चलते हैं, वो भी बोलते हैं, सारी क्रियाएं एक जैसे हैं, परंतु मन में अंतर है। संत के मन में और हमारे मन में अंतर है। कैसा अंतर है? दो घोड़सवार रोड में जा रहे हैं, दोनों घोड़े के ऊपर बैठे हैं, दोनों के पास में लगाम है, पर एक का घोड़ा इतना बदमाश है कि वो लगाम जो लोहे की जो नकेल थी उसको दांत में जब घोड़ा दबा लेता है तब वो ऊपर चढ़ने वाले की एक नहीं सुनता, वो लगाम को नहीं मानता। एक का घोड़ा लगाम नहीं मानता, बदमाश है, उसको घोड़ा जिधर ले जाता है वो उधर जाता है। भाई जब हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, अब बैठ तो गए, जिधर वो चाहेगा उधर ले जाएगा, हमारा बस नहीं चलेगा। पर एक का घोड़ा कंट्रोल में है, सीधा है, वो जिधर चाहता है उधर घोड़ा ले जाता है। यानी जिसका मन कंट्रोल में है वो साधु है, वो मन का गुलाम नहीं है, मन को उसने अपने गुलाम बना रखा है। पर सामान्य क्रियाएं हैं, इसलिए ज्यादा सन्निकटता होगी, आप समझ नहीं पाओगे और कमेंट करना शुरू कर दोगे, अपराध हो जाएगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, महिमा बहुत समझना जरूरी है, और महिमा के साथ वो श्रद्धा हमारी बनी रहे, थोड़ा बीच की दूरी। नहीं तो आप बैठ जाओगे, महात्मा के भजन करने का समय है, आप लगे रहोगे। ज्यादा सन्निकटता होने से भजन का समय यदि आपने महापुरुषों का खराब कर दिया तो आपको दोष लगेगा। प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, चलें। कोई दुख सुख है निवेदन कर दें सदगुरु के चरणों में। राजा जोगी अगिन जल इनकी उल्टी रीत, बच के रहिए जगत में, इनसे थोड़ी करिए। ज्यादा सन्निकटता होने के कारण अनादर हो जाता है। भगवान ने सोचा कहीं वृंदावन के प्रति इनको अरुचि न हो जाए, ब्रज के प्रति इनके मन में कभी उच्चाटन न हो जाए, इसलिए भगवान ने ब्रज की स्थापना उन ब्रजवासियों के हृदय में कर दी। ये वैकुंठ का दर्शन करा करके, लीला करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम अपार हो अपार, रटे जा राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन जपे राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार रे रटे जा राधे राधे। गलियन डोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन गलियन डोले श्री राधा राधा बोले वाको राधे वाको जन्म सफल हो जाए रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है ये भज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है रटे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार रे रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रे रटे जा राधे निराश रचायो शिव गोपी रूप में आयो वृंदावन रास रचायो शिव गोपी वेश में आयो वृंदावन रास रचायो शिव गोपी भेष में आयो वृंदावन रास रचायो कियो विचार रटे जा राधे 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 पंचाध्यायी का महत्व है। तो आए हम सभी लोग प्रयाग की पावन धरा में रास पंचाध्यायी में प्रवेश करें। पहले अध्याय के पहले श्लोक के पहले शब्दों में सुखदेव जी ने सारी बात समझा दी। वो कहते ना, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और पहला श्लोक ही बड़ा अद्भुत है। भगवान पिता रात्रि सरदा पुल्लमल्लिका बीक्षुरंतम मनश्चक्रे योग माया मुपासित भगवान पिता रात्रि। पहला शब्द भगवान। ये लीला भगवान की है। ये महाराज की लीला किसी नायक और नायिका का नृत्य नहीं है। भगवान कौन? उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम मगतिम गतिम वेदित्याम अविद्याम च सवाचो भगवान इति।